पप्पी लेना था इसके लिए मना कर दो ना पप्पी लेना था या रोलिंग सर या नमस्कार सर सर इनको नहीं करना या रोलिंग या नमस्कार मैं मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ एस्ट्रोवानी की शुरुआत के लिए नहीं तूने नहीं बोलना चाहिए गॉड ब्लेस देम एंड दे अचीव देयर ड्रीम्स नए साल की शुरुआत करें एस्ट्रोवानी का एडिट करना नए साल की शुरुआत करें एस्ट्रोवानी के साथ नए साल की शुरुआत करें एस्ट्रोवानी के साथ पूरा तरीका अच्छे से आएगा नए साल की शुरुआत करें एस्ट्रोवानी के इस फिल्म को मैंने प्रोड्यूस किए और साथ में डायरेक्ट भी की थी फिल्म की नाम है सब सेटिंग है और एक ये सोशल रिलेशंस के ऊपर एक फिल्म है रिश्तों में कैसे दरारें आती हैं रिश्तों का कैसे फ़ायदा उठाया जाता है इस चीज़ को दिखाने के लिए इस फिल्म में हमने दो नए लड़कों को इंट्रोड्यूस किया है और साथ में दो हीरोइन हैं शिखा मिश्रा और पायल सेठ आपका नाम मेरा नाम अश्वनी कुमार ऐश है और मैं नाम आपका नाम प्रियंका मंडल लाउड प्रियंका मंडल किस तरह की मूवी है बात करें और क्या किरदार आपका ये एक्चुअली इस मूवी की पार्ट नहीं है अभी हम इनके साथ एक सॉन्ग करने वाले हैं तो मैंने इनको एज ए गेस्ट बुलाया है यहाँ पे और मेरे जो अभी आने वाले सॉन्ग्स हैं उसमें ये प्ले कर रही हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं एक्टिंग अच्छा करती हैं डांस अच्छा करती हैं लव सॉन्ग है और हिंदी सॉन्ग है अभी बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा समथिंग दिसंबर में रिलीज़ होगी कुछ रैपर है क्या हाँ 100% एक हमारी ऑलरेडी सॉन्ग रिलीज़ हुई है एस सुट्टा के नाम से और दूसरा अभी एक और सॉन्ग आने वाला है तो रैप और लव दोनों मिक्स एक्चुअली मेरा नाम ही ऐश है तो कुछ हद के हाँ थोड़ा तो इसके लिए और ये मूवी बहुत अच्छी है और टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि पूरी हर जगह सेटिंग हर जगह पर सेटिंग है तो मूवी में है हाँ इस फिल्म में मैंने डायरेक्शन किया है हाँ नहीं इस फिल्म को मैंने डायरेक्ट किया है एक लाइन में किस तरह की मूवी है ये पब्लिक जब थिएटर में जाएगी उनको बहुत अच्छा लगेगा काफ़ी अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छा लगेगा उनको किस तरह की सेटिंग करते हुए नजर आएंगे इसमें सब मिक्सअप है आप देख सकते हैं कि पोस्टर किस तरह से एक लड़की है और इसका पूरे माइंड पे एक जाल बिछा हुआ है कि किस तरह से इसके माइंड पे और एक लड़का है तो आप पोस्टर से रिवील कर सकते हैं कि फिल्म कैसी होगी 100% ओके थैंक यू हाँ देखा आप लोगों को शायद दिखाएंगे अभी लेकिन इतना एक्साइटिंग सॉन्ग है एंड वेरी ब्यूटिफुली पिक्चराइज एंड ऑफ कोर्स ही हैज डन गुड जॉब एंड द गर्ल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत अच्छा काम किया फिर मैं देखूंगा एक बार पूरी फिल्म देखूंगा एंड आपने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं सलमान को लेकर बड़ी बड़ी फिल्में कैसा आपको ट्रेलर कैसा लगा इसमें कितना मज़ा आया नहीं देखिए ये डिपेंड करता है ना पूरी फिल्म में क्या है गाना कहाँ प्लेस हुआ है किस सिचुएशन में आता है कैरेक्टर्स क्या हैं एक गाना देखने से कुछ पता नहीं चलता बट गाना बहुत अच्छा पिक्चर है जो जिसने भी किया फिल्म से थोड़ा हटके बात की पद्मावती के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप मैंने देखी नहीं ना ये जो चल रहा है कंट्रोवर्सी उसके क्या एक कंट्रोवर्सी कभी कहते हैं कि ऐसा है कैसे किसी ने बोल दिया ऐसा कि वो तो कभी आमने सामने नहीं हुए जो मुस्लिम किंग है वो पद्मावती ने एक दूसरे को सारे आमने सामने नहीं देखा तो उसके साथ क्या रिश्ता बनाएंगे लेकिन सर कलाकार होता है उसके लिए ये अच्छी पब्लिसिटी है मनीष मनीष ही नेगेटिव कैरेक्टर है और मूवी बिल्कुल ही मतलब कि लड़का लड़की को कैसे फंसाते हैं कैसे क्या क्या सीन रहता है मतलब कि आप नए लड़की किसी गांव से आती है उसको आप कैसे कोई भी उसको फंसा लेता है कितने वो लोग कितने भोले होते हैं उसके बेस पे ही है पूरी मूवी कहानी हाँ ये समझिए हाँ बिल्कुल हाँ और इसमें साथ में कौन कौन है मेरे साथ में मेरा फ्रेंड है वो मेरे बिल्कुल क्लोज ही है दीपक हुड्डा थिएटर आर्टिस्ट है और मेरे अपोजिट में है शिखा मिश्रा भोजपुरी आर्टिस्ट है बहुत बड़ी अभी मेन तो यही है क्या उम्मीदें हैं इस मूवी से आपको सर बहुत उम्मीदें हैं पूरी उम्मीदें इससे ही टिकी हैं थैंक यू आपका नाम दीपक हुड्डा जी तो किस तरह की मूवी और आपका किरदार किस तरह का
मूवी बहुत ये पारिवारिक टाइप मतलब एक जो घर में क्लेश होता है और घर में कुछ बहुत ज़्यादा भेदभाव का होता है और बाज़ार के ऊपर भी जो मार्केट में एक बाज़ार होता है लड़की टाइप का लड़की बेचने का कुछ इस तरीके की मूवी है ये बहुत मतलब बहुत समाज को एक मैसेज है बहुत अच्छा मैसेज है ये आपको ये फिल्म में पता चलेगा एक स्ट्रगलर की कहानी है कि किस तरह भटक जाते हैं नहीं या, हम स्ट्रगलर की कहानी नहीं कह सकते ये स्ट्रगलर की कहानी नहीं है ये एक परिवार में जब आप खाना नहीं खा पाते हो परिवार को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है इस तरीके की ये स्टोरी है इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं मतलब फर्स्ट ऑफ मुझे ये मेरी पहली फिल्म है हिंदी फिल्म है और अगर ये अच्छी चलती है तो इसके लिए मेरा बहुत पॉजिटिव बेनिफिट रहेगा इससे पहले मैंने काफ़ी थिएटर किया है 3 साल एक्टिंग कोर्स किया है और मैं दिल्ली से NSD पास आउट हूँ और काफ़ी इससे पहले मैंने शॉर्ट फिल्म भी की है सीरियल भी किए मैंने काफ़ी पर ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है मतलब काफ़ी सारी पॉजिटिव एटीट्यूड सोचा है मैंने इसको लेके अगर होता है तो पता चलता है कामिया मिश्रा है और मैं थिएटर बेस्ड मतलब मैंने थिएटर कराया मैंने 3 साल के थिएटर का कोर्स करा हुआ है और मैं दिल्ली से हूँ मैंने काफ़ी सारा काम किया है सीरियल्स के लिए कैमियो बहुत सारे काम करे इसमें मेरा जो किरदार है ना बहुत छोटा सा कैरेक्टर है मेरा एक और वो कैरेक्टर मतलब एक इसमें विलेन है उसके सपनों में आती हूँ मैं हमेशा मैं फिल्म एक्ट्रेस हूँ एक्चुअली इस फिल्म के अंदर फिल्म एक्ट्रेस हूँ तो मैं उसके सपने में आती हूँ हमेशा वो मेरे से प्यार करता है ऐसा मतलब छोटा सा कैरेक्टर है ये तो सब सेटिंग ही है ये आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा कितना एंजॉय किया आपने मेरी फिल्म में मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और जब उस टाइम पे जब ये फिल्म शूट हो रही थी तब मैं नई नई मुंबई में शिफ्ट हुई थी तो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला था कि मतलब मैं पहली बार मुंबई शिफ्ट हुई थी पहली आते ही मेरे को काम मिला तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था फिल्म में काम दिल्ली से यहाँ तक का बहुत ज़्यादा हॉरेबल मतलब यहाँ पे आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मतलब घर वाले भी कहते ना कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते यहाँ आना आना बहुत मुश्किल से आई अभी करते हैं उस टाइम पे होता ना एक लड़की है घर से कैसे जाएगी बहुत फेस किया मैंने बहुत फेस किया और अभी तो मैंने प्रूव करके भी दिखाया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ बोल्ड सीन्स हैं मेरे कुछ मतलब कुछ ऐसे नहीं बस वो सपनों में देखता कुछ छोटा सा ही कुछ ऐसा बड़ा बोल्ड सीन नहीं है मेरा थैंक यू Thank you.